उसको वापस कर गए दोबारा वापस क्या है दुख तो ये मत सोरघाटी पिथौरागढ़ से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोनो डायरीज में। तो आज फिर से एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं नए दिन के साथ। और आज की जो जगह आप देख रहे हैं, हम ना अभी हैं दिल्ली में, दिल्ली के लोटस टेंपल पे। तो दिल्ली में ना हम किसी काम से आए हुए थे और ऐसे ही हम निकले आज घूमने के लिए। तो हम सबसे पहले आज आए हुए हैं अभी लोटस टेम्पल में, तो आज आपको भी घुमाते हैं हमारे साथ लोटस टेम्पल। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में और चलते हैं हम लोटस टेम्पल की ओर। अच्छी बात बताऊं, दिल्ली में ना वैसे बहुत गर्म होता है, गर्म तो हो ही रही है, उमस हो रही है, लेकिन अभी ना बादल लगने की वजह से धूप नहीं लग रही है, तो थोड़ा मौसम ठीक हो रखा है और घूमने के लिए भी ठीक हो रहा है। इसके बाद भीड़ देखो, सुबह के अभी 11 बज रहे हैं और 11 बजे आप भीड़ देख सकते हैं मेरे साथ। इसमें चप्पल डालते हैं, चप्पल डालो अपने भी मेरी भी। वो तो चप्पल जूता पहन के जा रहे हैं। कौन वो खोल के आए होंगे, डालो। इसके बाद जूते का बैग है, वो इधर जा, बाकी उधर से जा। अच्छा मैंने उधर से जाना है, बस चलते रहो, सामने बोर्ड पढ़ ले। थैले में इधर आ जा मेरी तरफ। दोस्तों हमने ना यहाँ पे चप्पल खोले और इस थैले में डाल दी है, और थैले वाले को उस साइड से जाना है, जिसने पन्नी पकड़ी है वो उस साइड से जाएगा और जिसने पन्नी नहीं पकड़ी है वो इस साइड से जाएगा। वो देखो वो उस साइड से चल रहे हैं और मैं इस साइड से चलती हूँ, फिर बाकी शायद यहाँ पे को रखनी। कृपया जूते यहाँ जमा करें, आपने वहाँ जमा कर दिया, और वो जूते जमा करने के लिए वहाँ को जा चुके हैं और मैं इधर से इधर को आ गई। फ्री में जूते रखे। अच्छा हमारा मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया है दिल्ली में, जो कि धूप नहीं हो रही है। तो दोस्तों अभी ना हम अंदर से बाहर आ चुके हैं मंदिर के, और जैसा कि हमको लगता है लोटस टेंपल सुन के कि मतलब एक भगवान की मूर्ति होगी इस टाइप का, तो इस मंदिर के अंदर ना कोई मूर्ति नहीं है, ये सारे धर्मों के लिए सभी के लिए बनाया गया है कोई। और अभी अब लोग वहाँ से मेडिटेशन करके बाहर आ चुके हैं और पतिदेव बहुत शांत हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन कर दिया है। अब हम यहाँ से निकलते हैं बाहर को, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि अब हम और मुझे मैंने सेल्फी स्टिक नहीं लेने दी बोल रहे हैं। ले लोगे फिर अभी, कौन सा आप खींच ही रहे थे फोटो। अब जाते हैं और कुछ देखते हैं खाने के लिए। दोस्तों जो ये मंदिर है ना वो ना मार्बल से बना हुआ है, और इसके तरफ ना इसके चारों तरफ मतलब पानी का 9 फाउंटेन बने हुए हैं, और इसमें ना किसी भी धर्म के लोग जा सकते हैं। और अंदर कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशली कोई मूर्ति बनी हुई है या कुछ बना हुआ है,
और वहाँ पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं, और वहाँ पे एक बुक भी मिलती है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। और उसके बाद बाहर आके ना वो आप लोगों से पूछते हैं कि आपको किस भाषा में पढ़ना है, फिर हम लोगों को भी ये मिला है कुछ इस टाइप का। आओ, ये मंदिर जो है ना, क्या बहाई उपासना मंदिर है, क्या है बहाई दोस्तों, ये मंदिर बहाई। ये देखो गिलहरी, जाओ जाओ। शादी के बाद अभी हम लोग आए हैं बिहार के कॉलेज में।